क्या हुआ? कंडली लग गई? कहाँ से लगी बता, कहाँ पे? इससे आपको नजर आ रहा है ये हल्दी है, और ये जो आप देख रहे हो हथियार, ये जो हथियार है ये खुदाई के काम आता है, और इसको गढ़वाली में बोला जाता है कुटली। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आ रखा हूँ जुआ गांव, और जुआ गांव में आज मैं निकला हूँ सैर पे, और यहीं सैर पे निकलते निकलते मैं यहाँ देख रहा था कि लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज भाई साहब और जो मेरे भाई साहब है, तो ये आए हल्दी लगाने अपने खेत में। तो मैंने कहा हल्दी का एक्सपीरियंस भी देखते हैं कि हल्दी कैसे लगाई जाती है। तो चलो आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं कि हल्दी किस तरह से लगाई जाती है। तो ये देख सकते हो ये है खेत, और इसे गढ़वाली में बोला जाता है पुंगड़ा, और इधर है हमारी माता जी, और इधर है हमारे फौजी भाई जी जो जय जवान जय किसान का नारे को सत्य करते हुए, और इधर है चाली जी, और ये है गोबर जिसे खाद भी बोला जाता है, और गढ़वाली में से बोला जाता है मोल। और यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ हल्दी लगा दी है, जैसे कि आप देख सकते हो ये कांटा आपको नज़र आ रहा है, ये हल्दी है। तो भाई साहब से जानते हैं कि हल्दी किस तरह से लगाई जाती है। भाई साहब कुछ बताइए हमें, हम मेरे व्यूवर्स को बताइए जो गढ़वाली नहीं है और जिनको पता नहीं है। ये हमारा वार्ड है, तो वहाँ पे अच्छा, तो उसके पास सारा पूरा हल्दी एक साथ दबा रखा था, और उस पर फिर ये अंकुर निकलने के लिए ठीक है। जब अंकुर निकल गए तो इसको उस खड्डे से निकाल के अच्छा एक लाइन एक एक दो दो लाइन करके पूरा हमने दफना दिया है, अच्छा, और ऊपर से एक खाद डाल लें। अच्छा, खाद डाल के अच्छे हो जाएंगे फिर, बहुत ग्रोथ अच्छी होगी इनकी। ये शुद्ध ऑर्गेनिक खाद से कोई यूरिया वूरिया कुछ नहीं है इसमें। तो ये जो हल्दी है ये कितने दिन में हो जाती है, जैसे आज आपने लगाया? यह होगा जब बरसात खत्म हो जाएगा। बरसात कब खत्म होगी? यह होगा, यह ठंडियों में निकलता है अक्टूबर नवंबर में। अच्छा, तो इसमें तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा, इसका मतलब काफ़ी टाइम लगेगा। तो जिन लोगों ने हल्दी नहीं देखी है कि खेत से हल्दी कैसे निकलती है, तो ये है हल्दी, ये जो वाली हल्दी, ये जो आप देख रहे हो ये हल्दी का बीज है ना, हल्दी का बीज है, इसके बाद इसको पीसा जाता है तब ये हल्दी बन जाती है। और ये उगाने का प्रोसेस यही है कि इसको ज़मीन में दफना देते हैं और ऊपर से खाद डाल देते हैं, उसके बाद बरसात के बाद ये ऑटोमेटिकली निकल जाती है। और इधर डक्कू और प्रतिभा भी आ गए हल्दी देखने के लिए, और सारे बच्चे आ गए हैं यहाँ पे, और इधर मम्मी जी और दीदी लगा रहे हैं हल्दी और खाद वाद फैला रहे हैं पूरे खेत में। तो ये जो खाद है ये आपने खरीदी है? कोई दानदाताओं ने ये दान किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तीन चार कट्टे लाए। ये जो आपको दिखाई दे रही है चोंच, ये हल्दी है, और ये बड़ा हो गया भाई साहब, कितना बड़ा पौधा बन जाता है ये? इतना बड़ा। अच्छा, इतना बड़ा बन जाता है ये? अच्छा, तू भी यहाँ पे खेत में आ गए, क्यों रो रहे हो? और ये आ गया अमेजिंग लड़का दोबारा यहाँ पर, और इसके पैर पे लग गए हैं ये कांटे, क्या बोलते हैं इनको पता है तेरे को? नहीं पता। कुम्मुर बोला जाता है, कुम्मुर 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 जो भी हो। ये देखो मेरे पैर पे भी सारे लग गए हैं, और ये बच्चों के भी चिपक गए। तो ये तो बेटा आप एक्सेप्ट करो कि अगर खेत में आ रहे हो तो ये तो होगा ही होगा। ओ बड़ा के हो गई हूँ खेतम। अच्छा अच्छा, अभी मिर्ची मिर्ची बस। ये तो मेरे को कुछ लग रहा है यहाँ से कुछ निकाला गया है, प्याज वगैरह। दोस्तों जब मैं बचपन में जब छोटा था, इसके बराबर था मैं जब, तब हम खेत में आते थे अपने गांव में, और इस तरह से सुबह निकल जाते थे और अपना खेती वेती करते थे, हल लगाते थे, और फिर जब घर से रोटियां आती थी ना तो उसको खाने में जो मजा आता था, डबल भूख। हाँ ये मेरे देखो कांटे लग गए, देखो, और वंशु निकाल रहा मेरे कांटे, कुम्मुर कुम्मुर अबे लगा मत, दोबारा निकाल इसको बस, अब दोबारा आएगा खेत में। मैं तो आने ही रहती थी, ये किन्नी के भी लग गया और इसके भी लग गया दिव्या के। वंशु चिप्स के चक्कर में उसके कांटे निकाल रहा है। और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, और ये जो पर्वत है ये ऐसा लग रहा है जैसे गोवर्धन पर्वत हो। यहाँ पे आगे जंगल ही जंगल है, कोई दूसरा गांव नहीं है, क्योंकि इनका जो ये गांव है ये लास्ट गांव है, इसके आगे रोड खत्म है। अरे, अंशु,
ये क्यों कर रहे हो दीदी आप, क्या होता है इससे? इससे गोबर उड़ेगा नहीं। अच्छा तो गोबर का कवर करने के लिए। आपको पता है अभी अभी मम्मू ने पान मार दी बहुत जोर से। इन्होंने पैर से कांटे निकालते प्रेशर हो गया और पान मारे। यहाँ पे हल्दी वगैरह लगा दी इन्होंने और अब इसके ऊपर कर रहे हैं कवर, ताकि ये जो खाद है कहीं उड़ के ना जाए और अच्छे से जम जाए। इसमें जो भी वेस्टेज वाली घास है वो इसके ऊपर बिछा दी जाती है। इसमें इसके बाद पानी डालने की जरूरत नहीं होती है, जो भी बरसात का पानी होता है उससे ये जो है उग जाती है। एक बीज में से कितने हल्दी निकल जाती है? अच्छा नहीं, जैसे ये डंठल था ना, एक डंठल, वैसे कितने निकल जाते हैं उसमें से? चार पाँच। अच्छा, एक में चार से छह निकल जाते हैं। तो पूछते हैं प्रतिभा से कि क्या प्रतिभा ने कभी हल्दी लगाई है? बहुत जल्दी लगाई है मैंने। लगाई है सब कुछ, मिर्च लगाए। अच्छा, आलू लगाए। और ये जो आप देख रहे हो हथियार, ये जो हथियार है ये खुदाई के काम आता है और इसको गढ़वाली में बोला जाता है कुटली। कुटली कुटला। और पूरी घास निकालते हुए खेतों में कवर करने के लिए। अरे भाई साहब, हमारे BSF में जॉब करते हैं और जब ये जॉब पे रहते हैं तो जवान बन जाते हैं और गांव में आते तो किसान बन जाते हैं। और सारे के सारे बच्चे यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 5 मिनट में इन्होंने हल्दी बो दिया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हल्दी लग चुकी है, आप देख सकते हो। और शाम के बज रहे हैं 6, और 6 बजे देख रहे हो आप सूर्य देवता निकले हुए हैं और इतना अच्छा माहौल हो रहा है यहाँ पे। ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो पहाड़ों में जो इवनिंग का जो मौसम होता है, मॉर्निंग का मौसम होता है, ये बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल होता है। क्यों? इवनिंग और मॉर्निंग में मज़ा आता है ना पहाड़ों में, क्योंकि दिन में तो गर्मी हो जाती है, बट इन दो टाइम में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और सभी लोग अपने अपने घर से निकलते हैं, घूमते फिरते हैं और अपना काम करते हैं। डक्कू को क्या चाहिए? ये चाहिए। दे 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 मम्मी दे दे, कोई बात नहीं। डक्कू ने उठा लिया कुटला। तो हल्दी वगैरह लगा दी हमने और हम जा रहे हैं घर। क्या हुआ, कंडली लग गई? कहाँ से लगी हुई था? कहाँ पे? इससे ऐसे ही होता है दर्द। आपको बोल रहा था ना मैं कि मत जाओ मत जाओ। नहीं जाने वाला। दिखा कहाँ पे, दिखा कहाँ पे लगी, पता ही नहीं चलता उसमें कहाँ लगी है। चलो, जितना चलोगे उतना ठीक रहता है, इसमें उठना नहीं पड़ता। चल चल, चलती रहे, कुछ नहीं, वो छोटी सी लगेगी बस और कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर होता बस झमझाट, बस फिर ठीक हो जाता है। डक्कू की भी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, उसको ठंड लग रही है, तो इसलिए हमें घर जाना पड़ रहा है। इधर यहाँ पे आग लगा दी है पंगड़ों में, जो भी वेस्टेज जो घास होता है, कूड़ा होता है, उस पर यहाँ पे आग लगा दी जाती है इस तरह से। तो फाइनली अपने घर पे आ गए हैं। और कैसा लगा आपको ये हल्दी वाला टूर, मेरे को जरूर बताना। और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।